रत्न त्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, वर्तमान में कितने तीर्थंकर साक्षात विराजमान हैं? ए 108, बी 148, सी 24, डी 20। 7 फरवरी 2021 का सही उत्तर है ए अरिहंत। बंधुओं सादर जय जिनेंद्र। दिनांक 7 तारीख को हमारे पास शांति धारा में 15 परिवार के नाम एवं आचार्य विद्यानंद अपूर्ण में 2 परिवार के नाम आए हुए थे। कुल 17 परिवारों से हमने प्रश्न पूछा और हमारे पास मात्र 9 उत्तर सही प्राप्त हुए। अब मैं अंकल जी से निवेदन करूंगा, आप इन सभी कॉइन को इसमें डालिए और इसको अच्छे से तरीके से हिला करके कोई एक कॉइन निकालिए। देखते हैं आज पार्श्वनाथ भगवान का विशेष आशीर्वाद स्वरूप रमुकार मंत्र की माला किसको प्राप्त होती है। अब कोई एक कॉइन निकाल करके कैमरे के सामने दिखाएंगे, नंबर देखेंगे। नंबर 6 निकला हुआ है, हम अपनी लिस्ट सामने दिखाइए। नंबर 6 पर किन परिवार का नाम दिया हुआ है हम अपनी लिस्ट में चेक करेंगे। नंबर 6 पर निर्मल जी शांति शुभोध रायपुर जयपुर राजनांदगांव वाले परिवार का नाम दिया हुआ है। इन परिवार को बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना एवं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में रखी हुई यह नमकार मंत्र की चांदी की माला उनके परिवार तक हम पहुंचाएंगे एवं यह प्रशस्ति पत्र भी शांति धारा कराने पर उनके परिवार तक पहुँचाया जाएगा। जय जिनेंद्र। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जब लोग परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की महानुभाव शास्त्रों में लिखा है, जिनेन भगवान का दर्शन करने मात्र से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृति स्नातोहम धर्म तीर्थेशु जिनेन्द्रव तव दर्शनात्। आज मेरा सच्चा स्नान हुआ, जब मैंने प्रभु का अभिषेक किया तो ही मेरा सच्चा स्नान हुआ। मैंने भगवान के दर्शन किए तभी मेरा नेत्रों का होना सफल हुआ। और आज मैंने अपने निज हाथ से जो दान दिया उनसे ही मेरे हाथों का होना सफल हुआ। आज मैंने जिन मंदिर पैदल जाकर के दर्शन किए तभी मेरे इन पैरों का होना सफल हुआ। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को धनमय बनाता है, भाग्यमय बनाता है, वह जीव शीघ्र ही आसन्न भव्य जीव हो जाता है, अर्थात शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करने में वह बढ़ने लगता है। महानुभाव, जो जीव प्रतिदिन भगवान का दर्शन पूजन पाठ आदि करते हैं वो अपने कर्मों की निर्जरा करके आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, प्रणामों में निर्मलता आती है। यह जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो भगवान की पूजा कराते कराते स्वयं को भगवान बनवा देता है। सभी दर्शन भक्त और भगवान तक ही सीमित हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त से भी भगवान बनने की कला यह जिन शासन जिन धर्म सिखाता है। महानुभाव, आप सभी लोग इसी तरह से जिन शासन जिन धर्म में लगे रहें, ध्यान रहे, यह अनमोल जो जीवन है वह हमें मिला हुआ है, उसे यूं ही नहीं गंवाना है। आप सब लोग पूजन पाठ अभिषेक से जुड़ करके अध्यात्म विद्या भी सीखें, जिससे हम सबका आपका कल्याण हो। रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर 1600 वर्ष प्राचीन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है और प्रतिदिन प्रथम अभिषेक और महाशांति धारा चल रही है। आज महाशांति धारा में 14 परिवार के नाम आए हुए हैं और आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा योजना चल रही है जिसमें 4 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी परिवारों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप इसी तरह से धर्म से जुड़े रहें, अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों द्वारा शांति पूर्वक सुने। आइए मन को स्थिर करके शांति पूर्वक अभिषेक को देखेंगे एवं करेंगे। ओम।
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं च्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेऽञ्जन विसिञ्चामि ते स्वाहा। आइए आज की बृहत शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं च्वीं च्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रं मं पापं खण्डे खण्डे हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं जं ज्वीं च्वीं हं सं जं पाचां चीं चूं छं छं च्वीं रां ह्रीं रं 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 द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते। स्माकम आज हमारे पास शांति धारा में 14 परिवारों के नाम आए हुए हैं एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण योजना में 4 परिवारों के नाम आए हुए हैं। इन परिवारों में सदैव सुख शांति समृद्धि एवं मन्नत वाले बाबा का आशीर्वाद बना रहे ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से नाम है शकुंतला जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, विमल चंद जी, महावीर सुधा मनन निकिता छावड़ा विज्ञान नगर कोटा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 51 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमान प्रवीण कुमार जैन ग्रीन पार्क निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 51 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। रचना जैन जी के पुत्र सचिन जैन जी की सीए परीक्षा सफलतापूर्वक हेतु, मयूर विहार दिल्ली निवासी। इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। सुमेर मल जी, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्य समस्त चुरीवाल परिवार कोलकाता निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। निर्मल जी, शांति, सुबोध, सुशील, सुमत छावड़ा सा परिवार रायपुर जयपुर राजनाथ गांव वाले निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। इन परिवार की 7 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। आनंद जी, अलका, प्रतीक, परिभूमित कटारिया सा परिवार केकड़ी निवासी अजमेर प्रवासी व्यापार वादा निवारण हेतु। इन परिवार की 21 दिन शांति धारा मंदिर जी में चल रही है। अभिषेक शराफ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अजित, उर्मिला, शेफाली, अंश शराफ नोएडा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। निर्मला जी, रमणी के पतंगया जी जैन सपरिवार सेक्टर 10 रोहिणी निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। रितिका जैन, रविकरण जैन मॉडल टाउन नई दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। श्रीमती प्रवीण कुमार जी, प्रदीप कुमार जैन, सचिन जैन, सौरभ जैन सा परिवार सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। सुख शांति हेतु कपूर चंद जी, उर्मिला देवी, योगेश कुमार, पिंकी जैन, विनीता जैन, कृषि जैन सा परिवार गुवाहाटी असम फैंसी बाजार निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। महावीर प्रसाद, कंचन देवी, मनोज, संगीता, संजय, निकिता, सम्यक जैन मुखर्जी नगर दिल्ली निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। सुख शांति हेतु श्री राजेश जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती मधु जैन, नितिन जैन, प्रज्ञा श्री जैन, अभिषेक जैन, आकांक्षा जैन, आरोही जैन बुद्ध विहार अलवर राजस्थान निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। सुख शांति हेतु इन परिवार की 7 दिन शांति धारा मंदिर में चल रही है। सृष्टि जैन, विधान जैन अपने माता पिता को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अनुमोदना देते हुए मुंबई निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम। सुख शांति हेतु सर्व शांति धारा करता करने वाले देश विदेश में टीवी के सामने बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व जीवस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु स्वाहा। एवं कार्य सिद्ध्यार्थम सर्वज्ञ निवारणार्थम श्रीमत अरत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमत पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय श्री द्वादश गढ़ सहिताय अनंत चतुर्थ सहिताय समव स्वर्ण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिन लोक महितानंद संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन शुकास्पदाय तिन लोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फटा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम चयंकराय अजराय अव्वाय सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी के सामने बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाज से सर्व जीवस्य व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो व्याधिं गणन्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण
विनाशे दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परछिद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व चाम डामर विनाशनाय सर्वार्य शांति कराय। ओम राम ह्रीं रम रास्य औषा नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी क्षण बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व जीवस्य अववाद मृत्यु अतिकाम मृतिकाम सर्व भयम सर्व क्षय रोगाम सर्व कुष्ठ रोगाम सर्व नरमारे सर्व जास गो महेश मारे सर्व धान्य वृक्ष कुल पत्र पुष्प फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व देश मारे सर्व विश्व मारे सर्व ताल साग्नि भयम सर्व कर्माष्टकम प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, वर्तमान में कितने तीर्थंकर साक्षात विराजमान हैं? ए 108, बी 148, सी 24, डी 20। जब लोग परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, आप सभी लोगों का परम सौभाग्य जागृत होने वाला है। अष्टम मस्तका महामस्तका अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है पारसनाथ स्वामी का 21 फरवरी को। आप सब उसमें उपस्थित हों और सभी लोग उससे जुड़ें। जो जा सकते हैं वहां पर जाकर के भगवान का मस्तक अभिषेक करें, जो टीवी के समक्ष बैठकर के अनुमोदना कर सकते हैं वो अनुमोदना करें। कृत कारित अनुमोदना का फल भी हमें अचिंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा पारसनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक करने का शुभ अवसर आप सबको प्रदान होगा, आप इससे जुड़ें। जैसा कि आपको पता है कि आप जब शांति धारा देखते हैं तो उसमें एक प्रश्न आपको मिलता है और उस प्रश्न का जो आंसर देता है तो रत्नत्र जनमंदिर कमेटी उसको चांदी की नमोकार मंत्र माला देती है शांति धारा कराने वालों के लिए और जो वहाँ पर भोजन वितरण कराते हैं उन परिवार के लिए। आज हमारे निर्मल शांति छावड़ा रायपुर वालों का यह भाग्य सितारा चमका हुआ है, जिनके लिए चांदी की नमोकार मंत्र माला का चयन द्वारा निकाला गया वह भाग्य उनके जीवन में आया हुआ है। भगवान पारसनाथ का दिव्य आशीर्वाद आपके घर तक कमेटी पहुंचाएगी और आपको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप धर्म से जुड़े रहें। रत्नत्रय जिन मंदिर में आचार्य विद्यानंद पुण्यतः जो भोजन कार्यक्रम चल रहा है आज, उसमें चार परिवार के नाम आए हुए हैं, पंकज जैन, पूजा जैन, कौशल जैन, मास्टर मेहर जैन, मास्टर मेजल जैन, दिल्ली निवासी। इन परिवार का एक माह के लिए अन्नपूर्णा चल रही है। सुमेर मल जी, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव, समस्त चुरीवाल परिवार, कोलकाता निवासी, नरेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, पूजा जैन जी की व्यवहार वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामफल चौक द्वारका निवासी, कपूर चंद जी, उर्मिला देवी, योगेश कुमार, पिंकी जैन, विनीता जैन, कृषि जैन, फैंसी बाजार गुवाहाटी असम निवासी की तरफ से इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना एवं आने वाले रविवार के दिन पुष्प दंत विधान का आयोजन किया जा रहा है। जिस किसी महानुभाव को अपनी ओर से विधान कराना हो शीघ्र किसी के नाम देकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं। आप भी यहाँ पर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या फिर विवाह वर्षगांठ हो या घर पर किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी शुभ मंगल कार्य हो, यहाँ पर आप शांति धारा करा सकते हैं, जिसकी एक दिन की राशि शांति धारा की मात्र 1100 रुपये है, 7 दिन की मात्र 5100 रुपये, 21 दिन की मात्र 11000 रुपये एवं 51 दिन की मात्र 21000 रुपये है। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण तहत जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है, उसकी एक दिन की राशि मात्र 2100 रुपये, 3 दिन की राशि मात्र 5100 रुपये एवं 7 दिन की राशि मात्र 11000 रुपये है। इसमें आप यहाँ पर करा करके धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र। श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका दिल्ली में महाशांति धारा एवं निशुल्क भोजन वितरण करने वालों के लिए चांदी की नमोकार माला। कौन बनेगा पुण्यपति? आज का प्रश्न, वर्तमान में कितने तीर्थंकर साक्षात विराजमान हैं?
108 B148 C24 D20। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी, वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्रीति, वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन, वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली। मैसर्स बूटाराम जय भगवान जैन। संगीता, वाइफ ऑफ अजय जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली।